सनातन संस्कृत संसदद्वारा सिलगढीको कावाखाली मैदानमा लाखौं कण्ठद्वारा गीतापाठ कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th माइल मस्काउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25। उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण जानकारी दिन आज आयोजक समितिको पक्षबाट पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम बुक अफ रेकर्ड्समा दर्ता गराउन लक्ष्य राखिएको आयोजक समितिका संयोजक यही अग्रवालले बताएकी छिन्। यसरी नै उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण जानकारीको निम्ति कार्यक्रमका विभिन्न सङ्घ संस्था आदिलाई लिएर आगामी 2 डिसेम्बरको दिन श्यामादेवी भवनमा सभा आयोजना गरिएको शीला थामी दाहालले बताएकी छिन्। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सनातन संस्कृति संसद द्वारा राखिएको लाखौँ कण्ठ गीता पाठमा जुन सिलगढीको कावाखाली मैदानमा हुन गइरहेको छ, त्यसबाट हाम्रो यस कालिम्पोङको क्षेत्रबाट यसको संयोजिकाहरू हुनुहुन्छ श्रीमती शीला थामी, साथै जुही अग्रवाल, उहाँहरूले यस विषयमा केही जानकारी दिनुहुँदैछ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सनातन संस्कृति संसदद्वारा आयोजित लाखौँ कण्ठो से गीता पाठ यो कार्यक्रम सिलगढीको कावाखाली मैदानमा आगामी 15 डिसेम्बर 2024 दिन आयोजना हुन गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको हो। हामी यसै प्रेस कन्फरेन्स मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई, जनमानसलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि यस कार्यक्रममा सबैजनाले सहभागी हुने, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुहोस्। यो सिलगढीमा हुन गइरहेको जो सामूहिक गीता पाठ, यो तेस्रो पल्ट हुन गइरहेको छ। प्रथमचोटि यो प्रथम यसको सुरुवात चाहिँ स्कन टेम्पलबाट चाहिँ मायापुरी धाममा यो 40,000 सनातनीहरूद्वारा सामूहिक गीता पाठ गरेर सुरु गरिएको थियो। त्यसको बादमा दोस्रो चोटि चाहिँ कलकत्ता स्थित ब्रिगेड मैदानमा 1,30,000 मानिस भेला भएर सामूहिक गीता पाठ गरेर यो सम्पन्न गरिएको थियो। यसरी नै यसपालि चाहिँ सिलगढी स्थित कावाखाली मैदानमा हामी सनातन संस्कृति सांसदले लगभग 2,00,000 सनातनीहरूको अपेक्षा राख्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, जसमा सबैले एकसाथ बसेर गीता पाठ गर्नेछन्। यस कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै सन्तहरू आउनेछन् र साथमा धेरै मानिसहरू पनि भेला हुनेछन्। यसमा पश्चिम बङ्गालका सबै जिल्लाबाट मात्र नभएर सीमावर्ती क्षेत्र जस्तै बिहार, आसाम, उडिसा, झारखण्डबाट आउनेछन्। त्यसरी नै छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान अनि बङ्गलादेशबाट पनि यस कार्यक्रममा सहभागिता दिनेछन् र यसलाई बृहत् रूपमा राम्रोसँगले सञ्चालन गर्नका लागि हामीले धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो उपस्थिति दिन अनिवार्य छ। हामी पहाडमा, हामी कालिम्पोङबाट कालिम्पोङका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई यसै विज्ञप्ति यहाँ यसै प्रेस कन्फरेन्स मार्फत निवेदन गर्दछौँ, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस्। त्यसको लागि हामीले धेरै धार्मिक संस्थानहरू र सामाजिक संस्थानहरूलाई चिठी पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले आगामी 2 डिसेम्बर सोमबारको दिन यसै उसमा श्यामादेवी भवनमा उहाँलाई निम्त्याएका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी उहाँहरूको सरसल्लाह लिने, कसरी जान्ने, के गर्ने, यस विषय विस्तृत जानकारी दिनेछौँ
र जसले पनि पत्र पाउनु भएको छैन किनभने यहाँको छरछिमेकीमा त हामीले पत्रहरू पठाएको छौँ तर टाढा टाढा बस्तीतिर हामीले पत्र चार गर्न सकेनौँ र यसै विज्ञप्ति मार्फत तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्दछौँ कि यो विज्ञप्ति सुनेर भए पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीले जग्गा जग्गामा यो पर्चा पनि बाँडेका छौँ र फेस्टुनहरू पनि लगाएका छौँ र हामी निवेदन गर्छौँ कि त्यो फेस्टुन हेरेर त्यसको पर्चामा फोन नम्बर जुन चाहिँ छ त्यो फोन नम्बर हेरेर तपाईँहरूले सम्पर्क कसैलाई नै सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उता जान अगाडि जानुको नियमहरू छ नियमभन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ आई कार्ड बिना चाहिँ त्यहाँनिर प्रवेश निषेध छ त्यसले गर्दा जो पनि जानु इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो एउटा आधार कार्ड जेरक्स र नाम दर्ता गर्नु जरुरी छ त्यस सँगसँगै 20 रुपियाँ चाहिँ शुल्क दिनुपर्नेछ त्यो हामीलाई यहाँ दिए पनि हुन्छ हामी त्यो पठाइदिन्छौँ र उहाँबाट आई कार्ड मगाइदिन्छौँ र पनि जो जसले यहाँबाट बनाउनु हुँदैन उहाँले सोझै तल जानु पनि सक्नुहुन्छ तर साथमा चाहिँ तपाईँले आधार कार्ड चाहिँ लिएर जानुपर्छ यो भन्दैछु अन्त अर्को कुरा के छ भने गीता पाठमा यति साह्रो जोर किन दिएको किनभने गीता चाहिँ एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जसमा जीवनशैली हाम्रो जीवनशैली को प्रत्येक प्रश्नको उत्तर पाइन्छ प्रत्येक समस्याको समाधान पाइन्छ र यो एकदमै जरुरी छ आजको समयमा कि हाम्रो युवाहरूलाई विशेष गरेर यो गीता उहाँहरूलाई ज्ञान दिन अति नै जरुरी छ र हामीले घर घरमा हर घरमा यो गीता चाहिँ प्रचलित होस् भनेर चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गरेको हौ धर्मनगरी सिलगढीको इतिहासमा पहिली बार सनातनी हिन्दू परम्परा के जागरण में 15 दिसंबर रविवार को पूर्णिमा तिथि में सिलीगुड़ी के कावाखली ग्राउंड जो कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के निकट है वहां पर एक बहुत बड़ा लाखों कंठों से गीता पाठ का पाठ होने जा रहा है यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित है और इसमें 750 से ज़्यादा संतों का आगमन होगा जिनका आशीर्वचन भी हमें प्राप्त होगा यह प्रोग्राम सुबह 9 बजे से 10 बजे हमें वहाँ प्रवेश करना है अपनी आईडी कार्ड लेकर जिसमें हमें अपने आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिएगा और फोन नंबर डाला हुआ रहेगा और हमें 20 रुपये देकर अपना ये आईडी कार्ड प्राप्त होगा आप सभी को अपना आसन लेकर वहाँ पर आना है क्योंकि जो बैठने की व्यवस्था है जो नीचे बैठने के लिए सक्षम है वो नीचे बैठ पाएंगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है वहाँ पर आपके पास अगर शंख है आपके घर में तो आप जरूर शंख लेके आइए क्योंकि हर एक अध्याय के प्रारंभ में शंखनाद होगा जिसके कारण से इस पूरी सृष्टि में एक ऐसा वातावरण का निर्माण होगा जिससे सभी सकारात्मक भाव से जुड़ पाएंगे तो इसमें हम खाली भारतवासी ही नहीं जुड़े हैं नेपाल भूटान बांग्लादेश और अपने सभी आसपास के पड़ोसी देश भी आ रहे हैं और सिक्किम से भी सनातनी सभी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में ताकि वो भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सके यह प्रोग्राम नेशनल एंड स्टेट लेवल पर पूरी तरह से कवरेज होगा इसका और इसके लिए सुविधा के लिए देखा गया है कि 40 डॉक्टर 4 एम्बुलेंस फायर का इंतजाम भी किया गया है जिससे किसी भी कोई आपदा आने वाली हो तो उससे हम अपना बचाव कर सके तो सबसे पहली बात है कि ये हम क्यों शुद्ध संस्कृत उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है भगवद गीता मनुष्य जीवन का कल्याण करने के लिए हमारे वेदों ने शास्त्रों ने हमें बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं लेकिन भगवद गीता उन सब का सार है और जब हम शुद्ध संस्कृत पारायण करते हैं तो उससे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव इस सृष्टि पर पड़ता है उससे सभी में एक उत्साह का निर्माण होता है जन सामान्य विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी ये गीता जी से जुड़े हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े और हमारे ग्रंथों के प्रति उनका मूड हो और वो अपनी वेशभूषा को अपनी पहचान को न भूले इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है हम सभी पंथों को सभी संप्रदायों को समन्वय करने जा रहे हैं यहाँ पर
और ये खाली गीता जी की क्षमता से ही हो सकता है, बिकॉज गीता जी किसी में भेदभाव नहीं करती है, हमारी दृष्टिकोण को और भी बड़ा करती है गीता जी, और हमें सबको अपनाने की दृष्टि देती है। ना हम किसी का विरोध करें, पर सबके लिए हम कैसे उपयोगी बन सके, गीता जी का भाव सबसे ज्यादा यही होता है। तो घर घर गीता, हर कर गीता, इस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं, और हम गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, श्रीमद् भगवत को अपने घर में केवल एक पुस्तक की तरह ना रखें कि जब हम किसी का देहांत हो जाए उस समय पढ़ें, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है, भगवान ने हमें ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, योग, अलग अलग मार्ग दिए हैं जिससे हम अपना चयन करके अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि आप देखिए, कितने लोग यही सोचते हैं कि भगवद गीता को तभी पढ़ना है जब किसी का देहांत हो जाए, लेकिन इसमें जो ज्ञान है उसको आपको अभी ही अपनाना चाहिए। तो आइए सभी मिलकर हम सब गीता गाएं, एक मधुर कोमल वाणी पाए। गीता गान आरंभ है कावाखली ग्राउंड सिलीगुड़ी के इस मैदान में 15 दिसंबर को, तो सभी आए, आप सभी से निमंत्रण है। आप किसी भी संप्रदाय से है, किसी भी मठ से है, किसी भी जाति के हैं, हम एक सनातन संस्कृति को जोड़ने का ये कार्य कर रहे हैं, और सनातन संस्कृति संसद द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। सो आप सभी आइए, ये कार्यक्रम गिनीज बुक की ओर भी अग्रसर है, तो आप भी इतिहास का एक पन्ना बनने के लिए जरूर आए। आप सभी का धन्यवाद।